हेलो दोस्तों, 2 मिनट फॉर यूपीएससी सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से रिलेटेड बात इंडिया के बारे में। और देखिए, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट चल रहा है और इसी में ऑफिशियल डेटा आया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के को लेकर, और ये फैक्चुअली इम्पॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो डेटा पब्लिक हुआ है उसके हिसाब से जो नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजम्पशन की, वो है अराउंड 1881 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो प्रति व्यक्ति एक साल में 1181 किलोवाट आवर ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखिए कि कहीं ना कहीं 1100 किलोवाट आवर के आसपास इंडिविजुअल एक इंडिया में कंज्यूम कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी का। वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वर्ल्ड एवरेज इंडिया से कहीं ज़्यादा है, तो इंडिया समवेयर अराउंड 1181 किलोवाट आवर पे है, और जो ग्लोबल पर कैपिटा है वो अराउंड 3130 किलोवाट आवर है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की आप यूनिट याद रखिए किलोवाट आवर्स, ये इसकी SI यूनिट है। और सॉरी, SI यूनिट नहीं है, इसी 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 यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो उसका जो कंजम्पशन होता है वो मेज़र किया जाता है किलो वॉट आवर्स, इसको आप ध्यान में रखिए। और जो इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन है वो वर्ल्ड के पर कैपिटा कंजम्पशन से अराउंड 1/3 है, उसका 30% ही है, ये आप ध्यान में रखिए। और ये इसलिए है कि हमारे बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो अभी इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसलिए पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम आता है। पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकती या ऐसे इन एक्सेसिबल जगहों पर रहती है जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं मुहैया हो पाई है। तो इसलिए जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है वो वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। देखिए, ये तो बात होगी एवरेज कंजम्पशन की। देखिए, रीजनल डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ रीजन्स या कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरेटरीज ऐसी हैं जो कहीं ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करती हैं, और कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरेटरीज ऐसी हैं जहाँ पे बिजली का कंजम्पशन काफ़ी कम है नेशनल एवरेज से। तो ऐसे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें, देश में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन अगर कहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो है दादर एंड नगर हवेली, तो ये यूनियन टेरेटरी है। और इसका यहाँ पे जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो 15179 किलोवाट आवर है, जो कि ना केवल नेशनल एवरेज से बल्कि ग्लोबल एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। तो ग्लोबल एवरेज से अराउंड 5 टाइम्स ज़्यादा है, और जो नेशनल एवरेज है उससे अराउंड 15 टाइम्स ज़्यादा है ये। तो ये आप ध्यान में रखिए, दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरेटरी सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरीके से अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में है गुजरात, उसके बाद गोवा, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद पंजाब। देखिए, कभी कभी यूपीएससी टफ क्वेश्चन पूछ लेती है, आजकल लास्ट कुछ सालों से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पर कैपिटा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात आती है तो आप प्लीज़ ये ऑर्डर याद रखिए, नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे गोवा, नंबर 3 पे हरियाणा, नंबर 4 पे पंजाब। हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज को कंबाइन कर लें तो नंबर 1 पे दादर एंड नगर हवेली, ये आप ध्यान रखिए। देखिए यार, यहाँ तो हमने बात कर ली जो स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, अब ऐसी स्टेट्स जो लोएस्ट हैं, जो इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा पावर कंज्यूम कर रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे कम देश में अगर बॉटम पे कोई है तो सबसे लास्ट आता है जो नाम आता है वो बिहार का आता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं जैसे कि असम आ गई, उसके बाद नागालैंड आ गई, उसके बाद मणिपुर, फिर त्रिपुरा। तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, टॉप 4 और बॉटम 4 आप याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी पूछ सकती है आपसे। देखिए, अब जान लेते हैं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि ऑलमोस्ट हमारे सारे विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक बड़ा कारण कि जो हमारा नेशनल एवरेज है वो ग्लोबल पर कैपिटा कंजम्पशन से बहुत कम है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे हाउस होल्ड जो हैं वो भी इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। तो ये एनोमली क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस इसलिए है कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम डेफिनेशन देखें कि एक विलेज को वो इलेक्ट्रिफाइड कब मानती है, तो उससे हमें
हम जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेफिनेशन के हिसाब से किसी गांव में अगर 10% हाउस होल्ड के पास बिजली पहुंच गई है, उनके पास वैलिड कनेक्शन हैं, तो उस गांव को हम लोग इलेक्ट्रिफाइड मानते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर सिर्फ 10% हाउस होल्ड में बिजली पहुंच जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रिफाइड विलेज मानते हैं। तो विलेज तो हमारे ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं, लेकिन हाउस होल्ड लेवल तक का डेटा अगर हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी हमें काम करना भी बाकी है। इसलिए हाउस होल्ड जैसे काफ़ी सारे हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। इसी वजह से जो हमारा नेशनल एवरेज है इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजम्पशन, वो ग्लोबल एवरेज से ऑलमोस्ट 1/3 है। तो ये था वीडियो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडिया के बारे में। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीलिम्स से ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।